आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शेखुल वज़ाइफ़ का बताया हुआ ख़ास अमल, वैसे तो पूरा साल इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर मुहर्रम से इसकी इब्तिदा की जाए तो इसकी कबूलियत और तासीर बढ़ जाती है। दोस्तों, अमल को आपने ध्यान से सुनना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये अमल हर नामुमकिन काम के लिए बेहतरीन है। औलाद ना होती हो, बेटा या बेटी चाहते हों कैद से खुलासी, चाहे वो कैद गुनाहों की हो या बद आदात की, जेल की कैद हो, किसी ऐब से छुटकारा चाहते हों, तकवा चाहते हों, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क चाहते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, तंगदस्ती और गुरबत से निजात चाहते हैं, शादी ना होती हो, गर्ज कोई भी, दुनिया का कोई भी नामुमकिन मसला हो, ये अमल बहुत ही पुरतासीर है। अपने लिए भी कर सकते हैं और किसी और के लिए भी कर सकते हैं। इस अमल का आखिरी राज ये है कि इस अमल में दुआ आखिर में नहीं करनी बल्कि दरमियान में करनी है, यानी इस पूरे अमल को ख़ुद दुआ बना लें, फिर रब के करम और फैज़ को मतवज्जा होते देखें। अमल के 40 दिनों में कोई नागा नहीं करनी। अमल क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अमल को ध्यान से सुने। अमल ये है कि 1 किलो गंदम या चावल ले लें, किसी छोटे बच्चे से उन चावल या गंदम की मुट्ठी भरवा लें और अलहदा किसी ट्रे या किसी बर्तन में रख लें। बच्चे की मासूम मुट्ठी से तासीर बढ़ जाती है। ये वो हाथ है जिसने कभी नाफरमानी नहीं की। अब इस एक मुट्ठी चावल या गंदम के हर दाने पर दिल की गहराइयों के साथ, दिल के सोज के साथ अल्लाहुस्समद पढ़ें। एक ही नशिस्त में पढ़ना ज़रूरी है, घर के अफराद मिलकर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इन चावलों या गंदम को बाकी 1 किलो में मिक्स कर लें और साफ़ पानी में जहां मछलियां हों वहां डाल दें। डालना सिर्फ साफ पानी में है, जैसे तालाब, नहर, समंदर, दरिया वगैरह। ये अमल 40, 70 या 90 दिन करना है, यानी हर रोज़ 1 किलो चावल या गंदम की एक मुट्ठी पे पड़ के चावलों में मिक्स करके पानी में मछलियों को डाल दें। ये अमल हर नामुमकिन काम के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, आप चावल या गंदम दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। ये इंतहाई मुजर्रब अमल है जो कि पूरा साल कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, मगर हज़रत साहब का फरमान है कि जो ये अमल मुहर्रम अल हराम में अल्लाहु समद का अमल शुरू करेगा तो इसकी तासीर इंशाल्लाह कई गुना बढ़ जाती है। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड विद मी। अल्लाह हाफिज़।